चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, गृहमंत्री अमित शाह ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की। चंडीगढ़ में सीएम आवास पर गृहमंत्री सीएम से मिले। मुलाकात के दौरान पंजाब के राज्यपाल भी मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गृहमंत्री हरियाणा के दौरे पर हैं। कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव में कार्यक्रम में हिस्सा लिया और उसके बाद चंडीगढ़ स्थित सीएम आवास संत कबीर कुटीर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह। पंजाब के गवर्नर भी इनके साथ में मौजूद थे, ये भी आप देख रहे हैं। तो सीएम से मुलाकात की है, ये बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से हम बता रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हरियाणा दौरा, गीता जयंती महोत्सव में शामिल हुए, इसके बाद सीएम से मुलाकात के लिए सीएम आवास संत कबीर कुटीर पहुंचे। सीएम ने शॉल भेंट कर, फूलों का गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। तो बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से हम देते हैं, जहां गृहमंत्री अमित शाह हरियाणा के सीएम मनोहर लाल से मुलाकात के लिए पहुंचे। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर, सीएम आवास संत कबीर कुटीर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल से उन्होंने मुलाकात की है और साथ में पंजाब के राज्यपाल भी मौजूद रहे। सीएम गृहमंत्री का अभिनंदन करते, इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से हम बता रहे हैं, जहां गृहमंत्री अमित शाह हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के आवास संत कबीर कुटीर पहुंचे, सीएम से मुलाकात की और सीएम इनका अभिनंदन करते। भगवान श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान की प्रतिमा अमित शाह को गृहमंत्री को भेंट की गई है। साथ ही पंजाब के राज्यपाल भी मौजूद थे, ये भी आप देख रहे हैं। इनका भी अभिनंदन सीएम आवास पर सीएम मनोहर लाल की ओर से किया गया। चलिए, हमारे विशेष संवाददाता गुलशन ग्रोवर इस वक्त फोन लाइन पर हैं। गुलशन, गृहमंत्री अमित शाह सीएम आवास पहुंचे, सीएम से मुलाकात की, क्या जानकारी खबर से जुड़ी? देखिए ज्योति, आज कुरुक्षेत्र में संत सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर अमित शाह पहुंचे थे और उसके तुरंत बाद चंडीगढ़ में भी एक उनका एक कार्यक्रम था। जैसे ही वो चंडीगढ़ पहुंचे तो सीधा मुख्यमंत्री के संत कबीर कुटीर निवास पर अमित शाह अचानक पहुंचे। हालांकि पहला इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं था। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित भी इस दौरान मौजूद रहे। कई अहम विषयों को लेकर ये मुलाकात मानी जा रही है, क्योंकि अगर हम चंडीगढ़ से जुड़े मुद्दे की बात करें, क्योंकि पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित भी इस दौरान मौजूद थे, तो पंजाब यूनिवर्सिटी को लेकर हरियाणा भी अपना हक जो है उस पर मांग रहा है और ये जो पूरा सिलसिला है ये अमित शाह के ही विभाग से जुड़ा हुआ मामला है। तो हो सकता है कि इस मुद्दे पर भी सीएम मनोहर लाल ने अपनी बात रखी हो। इसके अलावा मिशन 2024 है और हरियाणा की दृष्टि के लिहाज से देखा जाए तो जो अभी हाल ही में जो प्रयास लगाए जा रहे हैं, गठबंधन की बात करें या अन्य विषयों की बात करें, तो लगभग 30 मिनट की ये मुलाकात रही है। 30 मिनट तक मुख्यमंत्री निवास पर अमित शाह मौजूद रहे और 30 मिनट के बाद मुख्यमंत्री, जो चंडीगढ़ में उनका कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में पहुंचे। हालांकि अब किन किन अहम विषयों को लेकर ये बातचीत हुई, हम जरूर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल भी उनके कुरुक्षेत्र में कार्यक्रम है। लेकिन इस मुलाकात को काफी राजनीतिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है और पहली बार ऐसा है कि जब गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री के संत कुटीर आवास पर जो है पहली बार पहुंचे हैं। बिल्कुल, संत कबीर कुटीर में पहली बार पहुंचे और जैसा कि गुलशन बता रहे हैं कि अचानक से कार्यक्रम बना सीएम से मुलाकात के लिए, सीएम आवास पर गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे। बहुत शुक्रिया गुलशन, ये पूरी जानकारी आपने दी। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बताई, आप जानते हैं गृहमंत्री अमित शाह आज हरियाणा के दौरे पर, पहले कुरुक्षेत्र में गए, गीता जयंती महोत्सव में शामिल हुए, सीएम की तारीफ वहां पर की गई, केंद्र के कार्यों की तारीफ की गई, गीता जयंती महोत्सव और गीता के संदेश को लेकर भी बात की। चंडीगढ़ में सीएम आवास संत कबीर कुटीर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह, साथ ही पंजाब के गवर्नर को भी आप साथ में देख रहे हैं।